मैं रहता हूँ कंट्रोलर्स में, और इसके बाद मेरे पास अनाउंसमेंट्स इंप्लीमेंट है, मैं अनाउंसमेंट का कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेता हूँ। किसी ने भी इस प्रोजेक्ट पे वर्किंग नहीं की, कोई सलूशन भी नहीं निकाला इस प्रॉब्लम का। क्लोज ऑल बट दिस। एडिट, अपडेट और बाकी मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ मैं एक्शन अटैच कर लेता हूं। अनाउंसमेंट BOL अनाउंसमेंट लिस्ट, और यहाँ से क्रिएट फर्दर। मुझे यहाँ पे रिकॉल का टाइटल भी डिस्प्ले करवाना है। सो रिकॉल का टाइटल डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे इस एंटिटी को लोड करवाना पड़ेगा। कहाँ पे? जहाँ पे मैं ये अनाउंसमेंट लेके आ रहा हूँ, मीन्स अनाउंसमेंट DB में जाके मैं इसे गेट कर रहा हूं, और यहां पे आके मैं इसे इंक्लूड करवा देता हूं। एक्स डॉट रिकॉल्स डॉट सिलेक्ट, और सेलेक्ट के लिए हम सिस्टम डॉट लिंक को ऐड करवा लेते हैं। अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट में मेरे पास सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स हैं, सो मैं यहीं पे ऐड करवा लेता हूँ। एक अनाउंसमेंट ID m डॉट अनाउंसमेंट ID, देन मेरे पास डिस्क्रिप्शन m डॉट डिस्क्रिप्शन, और फिर फर्दर रिकॉल्स को मैं लोड करवा लेता हूँ ताकि इसके सभी
एट्रीब्यूट्स को हम गेट कर सके। रिकॉल इक्वल टू एक्स डॉट सॉरी एम डॉट रिकॉल एंड देन डॉट टू लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास इस व्यू में इसकी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, अनाउंसमेंट लिस्ट। और यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पे अनाउंसमेंट आ जाएगी और इसके बाद रिकॉल का टाइटल डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर जब एडिट करेंगे सो एडिट के लिए क्रिएट डॉट एडिट, और अनाउंसमेंट में हमारे पास क्रिएट और एडिट इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओके, और इसके साथ भी व्यू अटैच कर लेते हैं, एड व्यू। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो मुझे इस कोर्स का फायदा नहीं है, मैं कोर्स करवाता जब हम आगे चलते जाए और पीछे से हमारे कोई भी टॉपिक्स कवर ना हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ देखने से इन सेशंस को आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी या आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रैक्टिस लाजमी आपको करनी पड़ती है, तभी आपके इन कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप होती है। अब रिकॉल्स की हम आईडी डिस्प्ले करवाएं यहाँ पे या लिस्ट डिस्प्ले करवाएं। अगर आईडी डिस्प्ले करवाएंगे या रिकॉल का टेक्स्ट डिस्प्ले करवाएंगे, तब यूजर यहाँ से कैसे, अगर उसने चेंज करनी हो रिकॉल, तो कैसे चेंज कर सकेगा। तो इसके लिए हम इस पे सिलेक्ट को ही डिस्प्ले करवाएंगे, एएसपी फॉर रिकॉल आईडी एएसपी आइटम्स। और अब आइटम्स मेरे पास कहाँ से आएंगी, मैं इन आइटम्स को रिकॉल लिस्ट। अब क्रिएट के एक्शन में मुझे इन आइटम्स को भी पास करवाना है, क्रिएट इक्वल टू न्यू सिलेक्ट लिस्ट। कंट्रोल डॉट एएसपी डॉट नेट कोर, और इसके साथ मुझे यहां से रिकॉल के ऑब्जेक्ट को भी इंजेक्ट करवा लेता हूं, रिकॉल बीएस। रिकॉल आई डी एंड टाइटल, सो यहाँ से रिकॉल आई डी और फिर टाइटल। ओके, जो से भी बाइंड होगी हमारे पास बाइंड हो जाएगी, जो से भी वैल्यू होगी होप से यहाँ से बाइंड हो जाए। रिकॉल्स हमने भी एक या दो रिकॉल्स क्रिएट की हैं, मैं अनाउंसमेंट्स में आ जाता हूँ। मेरे पास अनाउंसमेंट का लिंक मैंने ऐड नहीं किया, सो मैं यहाँ से अनाउंसमेंट का लिंक भी ऐड करवा देता हूँ।
ओके अनाउंसमेंट में मेरे पास एरर आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं एरर किस चीज़ का है। अब जितनी दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एरर किस चीज़ का हो सकता है, आपको आइडिया हो गया होगा विंडो देख के कि एरर किस चीज़ का है। इंटरफेस ओके, अब यहाँ से अनाउंसमेंट क्रिएट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन लेट से मैं इसका कोई भी नाम रख देता हूँ अनाउंसमेंट वन, और लीगल टाइटल वन, सेव पे क्लिक किया। ओके मेरे पास ऐड हो गई, इसे मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के लिए अनाउंसमेंट टू या फिर अनाउंसमेंट वन और रिकॉल टाइटल टू को यूज़ कर लेता हूँ। सेव, और ये चेंज हो गई। ओके अनाउंसमेंट भी चेंज हो गई। अभी यहाँ से मेरे पास जो एरर आ रहा है मैं इसको फिक्स नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्लास में मुझे आपने वन बाय वन करके एक्सप्लेन करना है इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, मैं इसे कैसे फिक्स कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट हमने वर्किंग करनी है होम पेज पे। होम पेज पे हमने दो डिप डिस्प्ले करवानी है। मैं यहाँ से इसकी पहले डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेता हूँ बूर्सवाच की, ताकि हम देख लें कि हम टेबल डिस्प्ले करवा सकते हैं और टेबल को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं।